इस वक्त जो रोजान आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी और कोलेशन यहाँ जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो हुकूमत बनाएगी और इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला यहाँ वजीर आला बन रहे हैं। हमने जो वादे किए हैं लोगों को, सबसे बड़ा मसला है हमारा जो हमारे इज्जत और आबरू के मुकाम को छीना गया है। जो उमर साहब ने वादा किया है कि असम्बली में जाकर ही पहली जो रेजोल्यूशन होगी वो यही होगी कि हमें जो इज्जत आपने हमसे छीना है, जो आबरू आपने आपसे छीना है, जो 370 पंक्ति से आपने हमसे छीना है, पहली रेजोल्यूशन जो पास हो जाए असेंबली में जब हमारी हुकूमत आएगी तो वो सिर्फ वही होगी कि हमें 370 पैंतीस वापस दे। मेरे पास आएगा, मैं उसके लिए खड़ा हूं। मैंने वादा किया है लोगों को कि 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहेंगे और इंशाल्लाह राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, न सिर्फ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे।